लासैफ का डॉग नहीं है, यह एक इंडिपेंडेंट केयरिंग डॉग है। हम जानेंगे इसके 10 महत्वपूर्ण बातें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। नंबर एक, डियर हिस्ट्री। 1820 में लासैफ को टेम्पल और मॉन्स्ट्री देखने के लिए उसे वॉच डॉग के रूप में यूज किया गया। ये तिब्बत से बिलोंग करता है। इसे मॉन्क यूज करते थे वॉच डॉग के रूप में। आम आदमी उस वक्त लासैफ्सो को खरीद नहीं सकते। लोगों को लगता था कि लासैफ्सो डॉग को देखने से उनका कैर सफल होता था। दाई लामा ने चाइनीज एम्पायर को लासैफ्सो डॉग को गिफ्ट किया था। 1933 में 13 लासैफ्सो डॉग को दाई लामा ने अमेरिका को गिफ्ट किया था। 1935 में अमेरिका केनल क्लब द्वारा लासैफ्सो को रजिस्टर किया गया। नंबर दो, हाउ देयर नेम कम टू बी। लासा तिब्बत का कैपिटल है, इस वजह से इसका नाम लासा पड़ा। वैसे ही एप्सो का मतलब होता है समथिंग नॉट क्लियर, और एप्सो एक ओरिजिनल तिब्बत नेम से बिलोंग करता है, इस वजह से इसका नाम लासा एप्सो पड़ा। नंबर तीन, दे लाइव एक्सट्रीमली लॉन्ग लाइव्स। लासा एप्सो का एवरेज एज 13 से 14 होता है और कोई कोई 20 साल तक भी होता है। एक सबसे ओल्डेस्ट लासा एप्सो 29 साल तक जिंदा रहा। नंबर चार, दे आर द परफेक्ट इंडोर कंपेनियंस। आजकल लासैफ्सो एक बहुत अच्छा फैमिली कंपेनियन और वॉच डॉग हो गया है, और समय आने पर वो फैमिली को खतरों से भी बचाता है। नंबर पाँच, दे आर सेलिब्रिटी फेवरेट्स। लासैफ्सो ना कि एक पॉपुलर फैमिली पेट्स है, सेलिब्रिटी के भी फेवरेट पेट डॉग्स में से एक है। उनके लंबे बार और फ्लफी आइज लोगों को अपने तरफ आकर्षित करता है। नंबर छः, दे आर प्रोटेक्टिव डॉग्स। लासैफ्सो जरूरी नहीं है कि वे गार्ड डॉग हो, लेकिन वे बहुत अच्छे वॉच डॉग होते हैं। वे स्ट्रेंजर को देखने और भौंकने लगते हैं। इससे ओनर या घर के सदस्य को पता चल जाता है कि घर में अननोन व्यक्ति आया है। नंबर सात, ट्रेनिंग कैन प्रूव ए लिटिल डिफिकल्ट। लासैफ्सो को ट्रेन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लासैफ्सो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वे बहुत ही जल्द सीख जाते हैं। ऑनर को बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है उसे ट्रेनिंग देने समय। लासैफ्सो फनी वे में ट्रेनिंग कराना होता है। उसे ट्रेनिंग देते समय प्रतिदिन टास्क रिपीट नहीं करना होता है। नंबर आठ, दे हैव ए मिल्ड एनर्जी लेवल। लासैफ्सो बहुत ही एनर्जेटिक डॉग है। वे घरों में खेलते कूदते रहते हैं, क्योंकि वे आलसी नहीं, बहुत ही एक्टिव होते हैं। उन्हें घर के अंदर खेलना पसंद है। नंबर नौ, देयर हेल्थ इशूज। आमतौर पर लासैफ्सो बहुत ही हेल्दी डॉग होते हैं, लेकिन सभी डॉग की तरह इनकी भी कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे एल्बो डिस्प्लेसर, गले में थायराइड, और उनकी खून में ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम होता है। और कुछ नॉर्मल डिजीज होते हैं, जैसे चेरी आइज और एलर्जीज। नंबर 10, डियर ग्रूमिंग। लासैफ्सो के बाल स्ट्रेस होते हैं, इस वजह से उनके बाल काटने में समय लगता है। बहुत से ओनर उन्हें अट्रैक्टिव लुक देने के लिए प्रोफेशनल ग्रूमर के पास ले जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।